नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का 5वां अध्याय पृष्ठ रसायन शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। पृष्ठ रसायन में हम सतहों पर होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस पूरे अध्याय में हम लोग उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि पृष्ठ पर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अधिशोषण से। अणुक स्पीशीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अणुक स्पीशीज या पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है अधिशोष्य कहलाता है। पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वो अधिशोषित है विशोषण कहलाता है। ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में। ये जो है अवशोषण का दृश्य है और अभी जो आपके सामने आया है वो अधिशोषण का दृश्य है। अवशोषण को अंग्रेजी में अब्सॉर्प्शन कहते हैं और अधिशोषण को अंग्रेजी में एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है एवं अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। यह जो है मुख्य अंतर है अधिशोषण एवं अवशोषण में। अब बात करते हैं अधिशोषण क्रियाविधि के बारे में। अधिशोषण की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि अधिशोषक के पृष्ठीय कण वैसे वातावरण में नहीं होते जिसमें स्थूल के अंदर के कण होते हैं। अधिशोषक के अंदर के कणों पर लगने वाले सभी बल आपस में संतुलित होते हैं, परंतु पृष्ठकीय कण सभी दिशाओं में अपने प्रकार के परमाणु या अणुओं से घिरे नहीं होते, अंतः उन पर असंतुलित या अधिशेष आकर्षण बल होते हैं। अधिशोषक के ये बल ही अधिशोष्य कणों को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक दिए गए ताप पर दाब पर अधिशोषण की सीमा अधिशोषक के प्रति इकाई द्रव्यमान का क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ बढ़ती है। मैं जो बोल रहा हूं आप उस चीज को अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए साथ साथ। स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं उस चित्र को भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद अधिशोषण क्रियाविधि के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। यह एक ऊष्मशेपी प्रक्रिया है। यह एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है और अधिशोषण क्रियाविधि जैसे आगे बढ़ती है कुछ समय के बाद साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है। आप इन चीजों को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों के बीच जो अंतर है उनके बारे में बात करते हैं। जो भौतिक अधिशोषण है वो वांडरवाल्स बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण उत्पन्न होते हैं। जो भौतिक अधिशोषण है वह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, जबकि रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण प्रकृति में उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है। और भी कुछ अंतर हैं जो टेबल के फॉर्म में आपके स्क्रीन पर हैं, आप उनको अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और आपको इन अंतरों को याद भी करना है। यहाँ पर 9 अंतर लिखे हुए हैं, अगर आप 6 अंतर भी याद करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं अधिशोषण समतापी की।
अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी का जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, x अपॉन m इक्वल टू k डॉट p 1 बाय n, जहां पर x अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा p दाब पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है, k एवं n स्थिरांक है। आप इस समीकरण को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अधिशोषण समतापी के बारे में जो बातें स्क्रीन पर दी गई हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद अधिशोषण समतापी के समीकरण का एक और रूप देखते हैं। पिछले समीकरण में अगर हम दोनों भागों में लघुगणक लेते हैं तो उसके बाद जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार दिखने लगता है, log x अपॉन m इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। इस समीकरण के आधार पर जो रेखा चित्र बनता है वो आपके स्क्रीन के सामने है, आप उस रेखा चित्र को भी बना लीजिए और इस समीकरण को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने अधिशोषण एवं अवशोषण के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई हुई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से इन चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिएगा और साथ ही इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले अधिशोषण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम लोग उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।